देखिए दोस्तों, एक पोई साग है। देखिए देखिए, एक पोई साग है। इसको हम बनाएंगे, कोहरा डाल के, आलू प्याज दे के, चिंगरी डाल के बनाएंगे। देखिए पोई साग के, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, में चिंगड़ी है, ये प्याज है, ये आलू है, ये कोहरा है, ये है, देखिए ये पुई साग है। देखिए मैं काट लिया हूँ, धो लिया हूँ अच्छा से, अच्छा तरीका से। देखिए देखिए, धो लिए। इसको हम भूजेंगे, भाजेंगे। देखिए इसमें मसाला देंगे, सरसों लहसुन देंगे। दोस्तों हम चिंगड़ी प्याज थोड़ा भूज रहे हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का हम करेंगे। पुई साग को हमारा कुछ सब्जी 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 देखिए देखिए, हम लोग बिहारी स्टाइल में सब्जी बना रहे हैं हम। हल्दी दे रहे हैं, हल्दी दे के थोड़ा भूज के निकाल लेंगे हम इस तरह से। देखिए दोस्तों, आलू भिगा दिया, आलू भिगा दिया और इसमें कोहरा डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, हो गया। इसमें मसाला हम चले दे रहे हैं, धनिया पाउडर, गोल मरीच पाउडर दे रहे हैं। मसाला पका लेंगे। सरसों है, पीला सरसों, लहसुन, हरा मिर्च दे रहे हैं मिक्सी के मदद से।
रखो, सरसों लहसुन हरा मिर्च मिक्सी के मदद से हम कर लिए, देखिए दे रहे हैं। इस तरह से थोड़ा मसाला कसेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए इस तरह से मिर्चा थोड़ा चिंगड़ी के सब्जी हम बना रहे हैं। थोड़ा चिंगड़ी में नमक दिए थे, फिर ऐड करेंगे नमक थोड़ा।
नमक पानी छोड़ने के बाद दे रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा नमक कितना है नहीं है, ज़्यादा नमक हो जाने से खाएगा नहीं कोई। देखिए दोस्तों बना रहे हैं, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी बस, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बस, बेसी नहीं। इसमें देखिए दोस्तों मेरा सब्जी हो गया, देखिए मेरा सब्जी हो गया। देखिए आइए दोस्तों खा लीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग एक ठो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, मेरा बात सुनिएगा। थोड़ा ढाबा स्टाइल में हम बनाए हैं सब्जी, थोड़ा देखिए हम लोग को बिहारी में भी इसी तरह बनता है, ढाबा में भी इसी तरह बनता है। थोड़ा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा बना, टेस्ट करके बोलिएगा।